नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 14 जुलाई 2023। हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सभी खबरों के बारे में जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। कुल्लू लाहौर से निकाले 60,000 पर्यटक, सातवें दिन भी कई क्षेत्रों में बिजली पानी की आपूर्ति ठप। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के चलते कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति में फंसे 60,000 पर्यटकों को प्रशासन, पुलिस और बचाव दलों ने सुरक्षित निकाल लिया है। ये लोग सुरक्षित अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। लगभग 10,000 सैलानी अभी भी फंसे हैं, जो लाहौल के साथ मनाली, मणिकर्ण, सैंज, तीर्थन घाटी में हैं। कुल्लू के कसौल से भी 10,000 पर्यटक निकाले गए हैं। प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी बिजली, पानी और दूध की आपूर्ति नहीं हो पाई है। प्रदेश में 3 हाईवे के अलावा 719 सड़कें अभी बंद हैं। कालका शिमला हाईवे बहाल कर दिया गया है। वहीं लाहौल में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए इजराइल दूतावास ने उन्हें एयरलिफ्ट करने की इच्छा जताई, जिसे प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। पुलिस की अपील पर सुरक्षित निकाले गए ज्यादातर पर्यटकों ने कुल्लू मनाली में ही अपने वाहन छोड़ दिए हैं। पुलिस वाहन की सुरक्षा पर्ची देगी। वहीं लाहौल के चंद्रताल और बातल में फंसे 255 सैलानियों को गुरुवार दोपहर 3 बजे तक रेस्क्यू किया गया। इन्हें रेस्क्यू करने के लिए 65 साल के बागवानी मंत्री एवं नुकसान के आंकलन के लिए बनाई कमेटी के अध्यक्ष जगत सिंह नेगी 3 JCB और रेस्क्यू टीम के साथ पहुंचे थे। हिमाचल के कई भागों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों भारी बारिश से पैदा हुई दुश्वारियां अभी कम नहीं हुई हैं। वहीं प्रदेश में 5 दिन के लिए फिर से बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 13 से 17 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। प्रदेश में 19 जुलाई तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। गुरुवार सुबह राजधानी शिमला व अन्य भागों में बारिश हुई। इसके बाद धूप खिलने के बाद हल्के बादल छाए हुए रहे। कुछ स्थलों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं बुधवार रात को धौलाकुआ में 106, नाहन में 58, घमरूर कांगड़ा में 43.6, सोलन में 38, कंडाघाट सोलन में 37.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं गुरुवार को लाहौल के जोबरंग गांव के पास पहाड़ी से भूस्खलन हुआ, इससे सड़क यातायात के लिए बंद हो गई। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, नुकसान का आंकलन कर केंद्र से मांगेंगे मुआवजा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे आगामी दिनों में अधिकारियों के साथ मंत्रणा कर इसका वास्तविक आंकलन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। इसके बाद केंद्र से मुआवजा मांगेंगे। वर्तमान में करीब 4,000 करोड़ रुपए के नुकसान का प्रारंभिक आंकलन है। सरकार पर यह नया आर्थिक बोझ है, लेकिन इसके बावजूद जनता के सहयोग से सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का पूरा प्रयास करेगी। आने वाले वक्त में स्थिति ठीक हो जाएगी। बहुत सी सड़कें टूटी और आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा है। बहाली में भी वक्त लगेगा, इसके लिए काफी धन की जरूरत होगी। गुरुवार को अनाडेल पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि नुकसान का आंकलन करने के बाद केंद्र सरकार से फिर से मामला उठाया जाएगा। दिल्ली में जल भराव, सिंघू बॉर्डर से चलेंगी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें। दिल्ली में जल भराव के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन सिंघू बॉर्डर से किया जाएगा। यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद ISBT कश्मीरी गेट में पानी भर गया है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, दिल्ली के बाहर सिंघू बॉर्डर से बसों का संचालन होगा। बस सेवा बसों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। HRTC के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए चंडीगढ़ बस स्टैंड और सिंघू बॉर्डर पर अधिकारियों की तैनाती की गई है। जिन यात्रियों ने दिल्ली से निगम की बसों में सीटों की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग करवाई है, वह सिंघू बॉर्डर से बसों में सफर कर सकते हैं। चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए यात्रियों की संख्या के आधार पर बसें क्लब करके रवाना की जाएंगी। दिल्ली पुलिस सिंघू बॉर्डर से आगे बसों को प्रवेश नहीं दे रही, इसलिए पूरा संचालन सिंघू बॉर्डर से ही किया जाएगा। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, थुनाग में बाढ़ प्रभावितों को 1-1 लाख रुपए देगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग उपमंडल में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से थुनाग बाजार में नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर थुनाग में बाढ़ प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को थुनाग के साथ बहते नाले के तटीयकरण के भी निर्देश दिए, ताकि भविष्य में इस तरह की आपदा से बचाव किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिस परिवार का मकान बाढ़ में बह गया है, उसे सरकार की ओर से सुरक्षित स्थान पर मकान के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। मुकेश बोले, जल शक्ति विभाग को सबसे अधिक 1,000 करोड़ नुकसान, पंचवक्त मंदिर का रखरखाव होगा। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान जल शक्ति विभाग को हुआ है। जल प्रलय में सबसे बड़ी चुनौती जल महकमे के सामने आई है और 1,000 करोड़ की चपत लगी है।
विभाग के 10,000 में से करीब 50% योजनाएं बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। बाढ़ आने से पंप हाउस, मशीनरी, लाइनें, सोर्स ध्वस्त हो गए हैं। पंप हाउस में गाद भरने संचालन ठप हुआ है। ऐसे विकट हालात में पानी की सप्लाई बहाल करना एक कठिन चुनौती है। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी मुख्य अभियंता से लेकर फील्ड स्टाफ तक दिन रात पानी बहाली के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मंडी में पड्डल में स्थित पेयजल योजना का निरीक्षण किया तो पूरी योजना ध्वस्त हो गई है। रेत और गाद में ही पंप और मशीनें कैद हो गई हैं। वहीं पंचवक्त मंदिर देवभूमि की आस्था का प्रतीक है और इस मंदिर का इतनी बाढ़ में भी कुछ नहीं बिगड़ना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश के लोगों की आस्था कितनी प्रगाढ़ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी भी इसके रखरखाव के लिए बुलाए जाएंगे। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही। सेना के हेलीकॉप्टर से सांगला में फंसे 118 लोगों को सुरक्षित चोलिंग पहुंचाया। किन्नौर के सांगला में बाढ़ आने के बाद फंसे 118 लोगों और पर्यटकों को सेना के हेलीकॉप्टर से वीरवार को रेस्क्यू किया गया। इन्हें सेना के बाढ़ राहत कैंप पहुंचाया गया, जहां से बसों के माध्यम से आगे भेजा गया। सेना के हेलीकॉप्टर ने 6 बार उड़ान भरी। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर जिले का दौरा किया और राहत एवं बचाव अभियान के साथ आपदा की स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उप तहसील टापरी के चोलिंग में सेना के राहत शिविर का भी दौरा किया और सैलानियों का कुशलक्षेम पूछा। उन्होंने सांगला घाटी से 118 पर्यटकों को सफलतापूर्वक बचाने के लिए जिला प्रशासन और भारतीय सेना के प्रयासों की सराहना की। इन 4 जिलों के उपभोक्ता किसी भी मोबाइल नेटवर्क से कर सकेंगे कॉल। बारिश और बाढ़ से प्रभावित हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों चंबा, कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति में इंट्रा सर्कल रोमिंग लागू किया गया है। अतिरिक्त डीजीटी एचपी एलएसए ने बताया कि एक दूरसंचार सेवा प्रदाता के मोबाइल उपयोगकर्ता प्रभावित जिलों में किसी भी अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता के नेटवर्क से कॉल कर सकते हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता मोबाइल सेटिंग से मैनुअल ऑटो नेटवर्क का चयन कर सकते हैं। उपलब्ध नेटवर्क से किसी भी टेलीकॉम कंपनी के मोबाइल नेटवर्क का चयन कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग में जाकर सिम कार्ड के विकल्प पर क्लिक कर मोबाइल नेटवर्क में जाकर मैनुअल ऑटो सेलेक्ट करना होगा। इससे उपयोगकर्ता अन्य टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क से जुड़कर मोबाइल कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से जल्द टेलीकॉम नेटवर्क की बहाली के लिए जरूरी इंतजाम करने को भी कहा है। उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास एयरटेल की सिम है तो आप जियो का नेटवर्क से भी बात कर सकते हैं। 2500 रुपये प्रति किलो तक गिरे टमाटर के थोक दाम, सब्जी मंडी सोलन में 1700 से 2500 तक बिकी एक क्रेट। भारी बारिश के कारण टमाटर के दामों में भी गिरावट आई है। इसमें थोक में 120 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा ए ग्रेड का टमाटर अब घटकर 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि 100 रुपये किलो बिकने वाला सामान्य टमाटर 75 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। इसका मुख्य कारण बारिश से कालका शिमला नेशनल हाईवे और बाहरी राज्यों की सड़कों में पानी भरना बताया जा रहा है। साथ ही टमाटर भी कच्चा ही मंडियों में पहुंच रहा है। बारिश से टमाटर खराब होना शुरू हो गया है, इससे तैयार टमाटर फटने लग गया है। वहीं सोलन शहर की बात करें तो यहां टमाटर के परचून दाम 100 रुपये पहुंच गए हैं, जो कुछ दिन पहले 140 रुपये थे। जानकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण लंबे समय तक टिकने वाला मशहूर हिम सोना टमाटर भी दिल्ली तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। शादी से लौट रही लड़की खड्ड में डूबी, दादी संग पार कर रही थी नाला। हिमाचल में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वह नदी नालों की तरफ ना जाए, लेकिन ऐसे ही एक नाले को पार करते समय एक 13 साल की बच्ची पानी में बह गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। यह बच्ची अपनी दादी के साथ पड़ोस के गांव में गई थी और वहीं से वापस लौट रही थी, इसी दौरान यह हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सिरमौर जिला के शिलाई उपमंडल में एक 13 साल की बच्ची के खड्ड में डूबने से मौत हो गई। यह बच्ची अपनी दादी के साथ पास के ही एक गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। जब वह शादी से वापस लौट रही थी तभी वह नाले को पार करते हुए अचानक से वह खड्ड में गिर गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। बच्ची की दादी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अनुष्का को रेस्क्यू किया और पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन ने मृतक बच्ची के परिजनों को 25,000 रुपये की फौरी राहत जारी कर दी गई है। हादसा गुरुवार दोपहर के समय हुआ। सड़क पर गिरा था मलबा, जाम में फंसी कार पर पहाड़ी से आ गिरी चट्टाने। हिमाचल में भारी बारिश का दौर तो खत्म हो गया, लेकिन अब पहाड़ दरकने शुरू हो गए हैं। पहाड़ों से लगातार मलबा और चट्टाने भूस्खलन के रूप में नीचे गिर रहा है, जिससे कई सड़क मार्ग भी बंद हो जा रहे हैं। वहीं पहाड़ों से गिर रहे इस मलबे और पत्थरों की चपेट में आने से कई लोगों की मौत भी हो रही है। ऐसा ही एक हादसा हिमाचल के सिरमौर जिला के उपमंडल संगड़ा से पेश आया है। बताया जा रहा है कि यहां दनोई के पास पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में एक कार आ गई। कार पर पत्थरों के गिरने से कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई।
गनीमत यह रही कि हादसे के समय कार चालक गाड़ी के बाहर खड़ा था, जिससे उसकी जान बच गई, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि पत्थरों के गिरने से कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आज का सुविचार, तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश की खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।